हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम क्विज क्वेश्चन क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस या ब्लॉगर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेमो देख लेते हैं। तो जब भी यहाँ पे आप देख लेते हैं, कुछ इस टाइप का यहाँ पे डेमो है। तो यहाँ पे मैंने क्विज का क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर किसी भी ऑप्शन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद से यहाँ पे हाइड आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे ही आप इस पर करेंगे। तो करने के बाद यहाँ पे शो आंसर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक वर्डप्रेस में बहुत ही अच्छे से क्विज क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप बहुत जितने चाहे उतने क्वेश्चन यहाँ से आप क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन को क्रिएट कर लिया है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। करने के बाद इसे हम अपने डेस्कटॉप पे आएंगे और आने के बाद सबसे पहले हमें इसे कोडिंग के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ से हम एक क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे एक फोल्डर को। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमें एक HTML का यहाँ पे कोड क्रिएट करना है। तो HTML का यहाँ पे कोड क्रिएट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे और कैसे इसमें क्रिएट करना है स्टेप बाय स्टेप इसमें हम करके आपको बताएंगे। तो यहाँ से मैंने एक ले लिया index.html का। तो यहाँ पे HTML में यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने इसको सबलाइन से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लिख देना है div। तो आप इसे प्लगइन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको यहाँ पे कोडिंग से करके बताएंगे और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और div.dir यहाँ पे लिख देंगे ltr। बाकी सारी कोडिंग है इसे हम कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसका सोर्स कोड हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले आपको इसमें बता देते हैं कैसे कैसे इसमें ऐड करना है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे लिख देना टर्बो इक्वल टू, यहाँ पे जो भी है इसे हम ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस को है तो यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे और ऑप्शन के बाद यहाँ पे एक सबमिट का आंसर यहाँ पे देंगे। तो जब भी आप यहाँ पे शो आंसर और हाइड आंसर दोनों का यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे हाइड होगा। तो जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका आंसर जो है वहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो भी आप क्वेश्चन यहाँ से देना चाहते हैं तो क्वेश्चन का नेम यहाँ पे लिख देना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ से क्रिएट किया और इसके बाद से यहाँ पे जो अनऑर्डर लिस्ट भी यहाँ पे आंसर दे देंगे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नेम ID यहाँ पे दे देना है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें टोटल 4 ऑप्शन यहाँ पे रखना है। तो 4 ऑप्शन के लिए यहाँ पे Q1A कर दिया और सेकेंड ऑप्शन के लिए यहाँ पे Q1A यहाँ पे ए वाले आंसर हो गया। फिर ABCD टोटल हमें 4 ऑप्शन यहाँ पे हमें देना है। तो जितना चाहे उतना आप ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। कैसे देना है यहाँ पे आप देख लीजिए। फिर यहाँ पे रेडियो बटन यहाँ पे क्रिएट करना है, क्योंकि मैंने उसमें रेडियो बटन यहाँ पे क्रिएट किया था। आप यहाँ पे चेकबॉक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू है वैल्यू में यहाँ पे ए पास कर देंगे। और बाकी जितना है तो क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया रैंडम आंसर मेमोरी, ठीक है। ऐसे हमें 4 ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो इन सबको यहाँ से हमें कॉपी कर लेंगे और 4 ऑप्शन यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने 4 ऑप्शन क्रिएट कर लिया और करने के बाद जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ से मैंने इसे चेंज कर दिया। इसके बाद से मैंने स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर सारी कोडिंग यहाँ पर कर दिया है, तो इसे आप यहाँ से देख लीजिए। और करने के बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 नंबर यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। और जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे हमें आंसर भी यहाँ पे डिफाइन करना होगा। जो भी आंसर यहाँ पे देना होगा दे देंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे हाइड और शो का यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे जनरेट कर देना है। फिर आपको इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फिर इस सारे कोड को यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हम अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट में इसे ऐड करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने टोटल यहाँ पे अभी एक ही क्वेश्चन ऐड किया है और यहाँ पे 2nd क्वेश्चन है। तो इसके बाद ऐड करने वाले से हम नंबर दे देंगे 2nd। नीचे आएंगे और नीचे हमें 3rd क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इन सबको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में आ जाएंगे, या फिर ब्लॉगर या वर्डप्रेस किसी में भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट पे जाएंगे, ऐड न्यू,
और यहाँ से ऐड न्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, न्यू पोस्ट यहाँ पे जनरेट यहाँ पे करेंगे हम। और आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे हमें सारे जो कोड है इस पे मैंने कॉपी किया था। कॉपी करने के बाद इस पे हमें ऐड टाइटल, कोई भी टाइटल यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेमो क्विज, तो डेमो क्विज क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया है। और करने के बाद यहाँ पे इसे दे दिया यहाँ पे डेमो क्विज फॉर ब्लॉग। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको भी लिख लिया डेमो क्विज। तो इसे हमें HTML के टैग में यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमें टाइप कर देना है। अगर यहाँ पे सर्च बार में ना मिले तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे HTML। तो इसे आप अपने ब्लॉगर में भी करना चाहते हैं तो ब्लॉगर में भी HTML में पेस्ट करना है, तो इसे हमें पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे HTML है और प्रीव्यू है, तो यहाँ पे पहले प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं। तो प्रीव्यू में जब यहाँ पे पोस्ट पब्लिश होगा तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का यहाँ से दिख जाएगा। देखिए यहाँ से ऑप्शन आ गया। ऑप्शन आने के बाद जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर है आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 क्वेश्चन क्रिएट किया है। इसके बाद से हमें प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और जितने चाहे उतने आप क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे HTML और सेम कोड यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। और जो क्वेश्चन नंबर है और क्वेश्चन है उसके बाद से ऑप्शन है उन सबको यहाँ से चेंज कर लेंगे, तो जितने चाहे उतने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लेंगे बहुत ही ईजिली तरीके से। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको भी मैंने फिर से कर दिया। तो टोटल मैंने क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट कर लिया और क्रिएट करने के बाद से हम पब्लिश कर देंगे। पब्लिश कर दिया और कुछ सेकंड के बाद हमारा यहाँ से पब्लिश हो जाएगा। देखिए पब्लिश हो गया। इसके बाद से व्यू पोस्ट कर देंगे और व्यू पोस्ट कर देने के बाद यहाँ पर इसे ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से जितने चाहे उतने क्वेश्चंस को आप यहां से ऐड कर लेंगे। इसके बाद से अगर आप इसका SEO सेट करना चाहते हैं तो आप इसको यहां पे SEO इसका सेट कर सकते हैं। अगर SEO पे भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको SEO पे कैसे वर्क करना है वो हम आपको बता देंगे। तो यहां से हम ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद हमारा जो पोस्ट है वो पोस्ट यहां से क्रिएट हो गया। अब देखिए यहां से जो डेमो है डेमो बहुत अच्छे से यहां से ओपन हो गया। तो मैंने यहाँ पे बस डेमो क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किया हुआ। जितने चाहे क्वेश्चन आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे और सेव आंसर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आंसर है आंसर यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, ऐसे जो सेकंड क्वेश्चन है इस पर भी हमें शो आंसर है, शो आंसर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर शो आंसर आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हाइड क्वेश्चन यहाँ पर जो आंसर होगा हाइड रहेगा। तो देखिए जितने चाहे उतने क्वेश्चन इसमें मैंने क्रिएट कर लिया है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका सोर्स कोड जो मैंने क्रिएट किया था अभी उसका मैंने लिंक दे दिया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।